हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द न्यू सेशन ऑफ लर्निंग। अभी हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं प्रॉब्लम रिलेटेड विथ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर आपको क्वेश्चन में पार्टनर्स लोन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप कैसे टैकल करोगे। तो आपकी स्क्रीन पे है अभी क्वेश्चन नंबर 9C। अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, एट द सेम टाइम वी विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, हियर वी गो। क्वेश्चन नंबर 9, बैट एंड बॉल आर द पार्टनर्स शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3 विथ कैपिटल। दोनों की कैपिटल कौन कितनी कितनी है, 1,20,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। ऑन 1st अक्टूबर 2018 बैट एंड बॉल गेव लोन्स ऑफ रुपीज, दोनों ने लोन दी है, लोन्स ऑफ रुपीज, हाउ मच लोन दे गिव, 2,40,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। मैं आपको समझाती हूँ, बैट एंड बॉल दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3। उनके कैपिटल कितना है, 1,20,000 एंड 60,000। ठीक है, 1 अक्टूबर को क्या करते हैं वो दोनों, लोन देते हैं फर्म को। ठीक है, कितने कितने लोन देते हैं, बैट देता है 2,40,000 एंड बॉल देता है 1,20,000। ओके, बैट हैड अलाउड द फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी फॉर द बिजनेस फॉर अ मंथली रेंट ऑफ ₹5,000। बैट जो है अपना पर्सनल प्रॉपर्टी को फॉर्म को यूज करने के लिए देता है। ओके, एंड उसके लिए उसको मंथली रेंट कितना मिलता है, मंथली रेंट वो पेबल है ₹5,000। ओके, द लॉस ऑफ द फॉर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 बिफोर द रेंट एंड इंटरेस्ट अमाउंटेड टू ₹9,000। मतलब फॉर्म को क्या होता है, लॉस हो रहा है। कितना का लॉस हो रहा है, 9,000 का लॉस हो रहा है। ओके, और ये लॉस कब हुआ है, जब ना उसने रेंट भी नहीं पे करा है उसने, और इंटरेस्ट और लोन भी नहीं पे करा है। फिर से मैं बता रही हूं, फर्म को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का, 9,000 का। और ये लॉस कब हो रहा है, जब ना उसने इंटरेस्ट भी नहीं पे करा है और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी उसने पे नहीं करा है। मतलब अगर ये दोनों पे करेगा तो उसका लॉस क्या होगा, 9,000 से भी ज्यादा होगा। ओके, तो आपको क्या करना है क्वेश्चन में, शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या फिर लॉस। ओके, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आप बताओ कि फॉर्म को क्या होता है, एंड में लॉस होता है या फिर प्रॉफिट होता है, और जो भी होता है उसका आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, मतलब दोनों पार्टनर्स के बीच में उसका कितना कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो दिखाना है। ओके, तो आपको मैं एक बता दूं, एक कॉन्सेप्ट, आप जब पीछे जाओगे तो ये जो लॉस है वो क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एंड ये जो रेंट है वो भी क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आप लोग भूल रहे हो या फिर आपको उसकी जानकारी चाहिए तो आप पीछे वाले वीडियो में जा करके देख सकते हो। ओके, ये दोनों क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है अगर फॉर्म को लॉस भी होता है, इन दैट केस ऑल्सो फॉर्म इज लायबल टू पे द लॉस। ओके, लायबल टू पे द, लाइक यहाँ फॉर्म को लॉस हुआ है लेकिन बट दिस इज वॉट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, और जो रेंट है वो क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो क्या होगा, फॉर्म को इसको पे करना ही करना है, चाहे वो लॉस भी इनकर क्यों ना कर रहा हो, दिस इज कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है कि अगर क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अगर नहीं दिया गया है, किस रेट में आपको देना चाहिए, चार्ज करना चाहिए, तो क्या कहता है, अकॉर्डिंग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहती है कि इंटरेस्ट ऑन लोन्स विल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ओके, देन व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन लोन, विल बी
So according to Partnership Act 1932, what is the rule? Interest on loan will be allowed at the rate of 6% per annum. Okay? तो अब हम लोग क्या देखते हैं इसमें कि हम देखेंगे दोनों पार्टनर ने कितना कितना इंटरेस्ट ऑन लोन दोनों का होता है. ओके तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन बैट्स लोन. बैट का लोन अमाउंट कितना है? 2,40,000 आई हैव रिटन हियर. उस पर उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 6% का. और आप देखोगे 1 अक्टूबर से उसने स्टार्ट किया है तो 6 मंथ्स के लिए मिलेगा. अमाउंट होगा 7,200. ओके इन द सेम वे इंटरेस्ट ऑन बॉल्स लोन अमाउंट इज 1,20,000. अगेन सेम थिंग इंटरेस्ट कितना होगा? 6% एंड फॉर 6 मंथ्स. व्हाट विल बी द इंटरेस्ट? टोटल करोगे तो हो जाएगा 10,800. ओके रेंट ऑन बैट्स. अब बैट को क्या करना है? बैट ने अपना क्या किया था? पर्सनल प्रॉपर्टी यूज करने के लिए दिया था फॉर्म को. उसका रेंट कितना बनता है देखते हैं. रेंट ऑन बैट्स property that is 5,000 था per month. तो in a year कितना हो जाएगा? 60,000. got it right. अब हम calculate करेंगे total firm का total loss कितना हो रहा है. okay calculation of टोटल लॉस ऑफ द फर्म. फर्म को टोटल लॉस कितना हो रहा है? सबसे पहले तो स्टार्टिंग का लॉस कितना था? 9,000. जब इसने ना तो ये अमाउंट पे किया है ना ही ये अमाउंट पे किया है तब फर्म का कितना लॉस है? 9,000. लॉस बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट कितना था? जब इसने ना रेंट पे किया है ना ही लॉस इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया तब लॉस था इसका इस फॉर्म का 9,000. ओके इसमें हम लोग क्या क्या ऐड करेंगे? ऐड इंटरेस्ट ऑन लोन. टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 10,800. ओके अब इसमें अगेन क्या ऐड करेंगे? रेंट टू बैट. आई होप इट्स विजिबल. रेंट टू बैट राइट. व्हाट इज द अमाउंट? 60,000. टोटल इज 79,800. व्हाट वी विल राइट? टोटल लॉस ऑफ द फॉर्म. हमारा टोटल लॉस कितना है फॉर्म का? 79,800. अभी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है. क्वेश्चन में कहा गया है कि आप क्या दिखाओ? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस दिखाओ. मतलब ये जो लॉस है टोटल इसको डिस्ट्रीब्यूट करो बिटवीन टू पार्टनर्स. अब दो पार्टनर्स हैं तो दोनों मिलकर के प्रॉफिट जब शेयर करते हैं तो दोनों मिलकर के क्या शेयर करेंगे? लॉस भी शेयर करेंगे. तो हम लोग क्या करेंगे इसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों पार्टनर्स के बीच में. किस किसके बीच में? बैट एंड बॉल के बीच में. और कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 2:3 की रेशियो में जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस इन रेशियो 2:3. बैट्स शेयर ऑफ लॉस. व्हाट इज द टोटल लॉस? 79,800 इनटू इसका शेयर कितना है? 2:5. आई थिंक आपने शेयर्स निकालना तो सीखा ही होगा क्लास 5 में 6 में. यूज दैट
31,920. Okay. Ball's share of loss. What is the amount of loss? 79,350. 47880. So now our answer is complete. So I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर व्हाट इज द 9. ओके, नाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन रिलेटेड विथ इंटरेस्ट ऑन लोन. थैंक यू.